हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर ओके लेसन फर्स्ट का क्या है, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट्स। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनिमल्स आर एज देयर कैन नॉट सेंथेसाइज देयर ओन फूड। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो आंसर मैं पहले लिख दिया हूँ, यहाँ से तुम लोग नोट कर लो। फर्स्ट में क्या होगा देखो, हेटरोट्रॉप्स, रूट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, स्टोमाटा, इंसेक्टिवरस, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं फिर से बोलता हूँ देखो, क्या है, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, क्यों? दे कैन नॉट सेंथेसाइज देयर ओन फूड। सेकेंड है मेरा, द रूट्स ऑफ ए प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। ओके थर्ड क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, क्या लेते हैं प्लांट्स? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ भरोगे एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस, कौन सा गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस। ओके तो ये हम लोग जान गए। अब देखो फोर्थ नंबर में क्या है, आर द टैनी पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो क्या होगा, स्टोमाटा, स्टोमाटा ही है ना जिसके हेल्प से प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। फिफ्थ नंबर में आ जाओ, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट्स, जो प्लांट्स इंसेक्ट को अपना भोजन के रूप में ले रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। फिर आता है अन एसेंशियल रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्या क्या होगा? तो देखो इसमें क्या होगा, अवेलेबल इन द सॉयल इज वाटर, जो वाटर में अवेलेबल है, सॉरी सॉयल में अवेलेबल है। और दूसरा मेरा क्या आएगा, अवेलेबल इन द एयर, तो एयर में क्या अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके फिर इन द बैलेंस कंप्लीट हो गया मेरा। नेक्स्ट आते हैं मैचिंग की ओर। तो देखिए मैचिंग में क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो लीव्स में, तो लीव्स के साथ मैच करती है। दूसरा क्या है, लाइकेन, तो लाइकेन क्या होगा मेरा, लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। ओके अब देखिए फंगी, फंगी किसके साथ मैच करेगा मेरा, फंगी होगा मेरा सेप्रोट्रॉप्स, क्यों? क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना फूड प्रिपेयर करता है। दूसरा क्या है, अमरबेल, अमरबेल क्या कहलाएगा मेरा, पैरासाइट्स। ओके और लास्ट में मेरा बच जाता है प्लांट्स, तो प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स। क्लियर हो गया ये मेरा, इस तरह से मैचिंग भी कंप्लीट हो गया। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन पे। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन प्लांट्स दैट कैन सेंथेसाइज देयर ओन फूड आर नोन एज, क्या होगा इसमें, ऑटोट्रॉप्स। ओके नेक्स्ट देखिए, द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज इट्स, फूड फैक्ट्री क्या है प्लांट्स का, तो उसका लीफ है। ओके नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट, इसमें से कौन सा प्लांट है जो इंसेक्टिवरस है? तो आप देखो पीचर प्लांट होगा। ओके नेक्स्ट देखिए, मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मशरूम कैसा एग्जाम्पल है, किस तरह का है, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स और इंसेक्टिवरस। तो बोलिए क्या होगा इसमें, मशरूम होगा मेरा सेप्रोट्रॉप्स। ओके क्यों? क्योंकि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये अपना ग्रो करता है। फिफ्थ है लास्ट देखो, एन ऑर्गेनिज्म दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉयल इज, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, राइजोबियम, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉयल में। कंप्लीट हो गया, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। ओके वाई इज न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? तो इसका आंसर हम होगा, न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी एंड टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। मीन्स न्यूट्रिशन ज़रूरी है किस लिए, बॉडी को ग्रो करने के लिए। ओके बॉडी को बिल्ड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी का, और एनर्जी चाहिए किस लिए, लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए। तो ये सब हमको न्यूट्रिशन से ही मिलेगा, इसलिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स सेंथेसाइज देयर फूड, मीन्स ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है? तो देखिए, ग्रीन प्लांट्स सेंथेसाइज देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, यानी अपने फूड का सेंथेसिस करते हैं।
ओके समझ गए। नेक्स्ट देखिए, स्टेट द रोल ऑफ वेसल्स प्रेजेंट इन योर प्लांट्स, मतलब प्लांट में जो वेसल्स प्रेजेंट हैं उसका क्या रोल है। तो देखिए आंसर क्या कहता है, वेसल्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मीन्स प्लांट के विभिन्न भागों में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किसके हेल्प से होता है, वेसल्स के हेल्प से। तो वेसल्स का यही इंपॉर्टेंस था प्लांट्स में, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, एक एक करके सभी का डेफिनेशन लिखना है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, न्यूट्रिएंट्स, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस। ओके तो मैं पहले डिफाइन करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये क्या होता है, इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टू ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन एंड डेवलप अ रिलेशनशिप दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ, मीन्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें टू ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं क्लोज एसोसिएशन में, हाँ, एंड डेवलप्स ए रिलेशनशिप दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ, और इस तरह से रिलेशनशिप डेवलप करते हैं जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे आप राइजोबियम ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल ले सकते हो, राइजोबियम बैक्टीरिया, हाँ। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी और कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, जो कंपोनेंट है फूड आइटम का। तो फूड आइटम का कौन कौन सा कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब क्या है, फूड आइटम का कंपोनेंट है, और उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ये नेसेसरी है हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट है मेरा सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मीन्स ऐसा इस तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे लेता है, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से। तो वह प्रोसेस इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या आएगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल तो मिल ही सकते हो, जैसे मशरूम हो गया, ओके, ये क्या है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। नेक्स्ट देखिए फोटोसिंथेसिस, तो बहुत ही आसान है, द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, वह प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, फोटोसिंथेसिस हो गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हेन सम व्हीट डो वॉज लेफ्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज इट स्टार्टेड इमिटिंग अ फॉल स्मेल, फॉल स्मेल, यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ पे क्या होगा, स्मेल होगा, SMELL, ओके इसको तुम काट दो, स्मेल होगा, फॉल स्मेल, ओके। कहता है स्टेट वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रीजन लिखिए। तो आंसर हम लिखेंगे, द व्हीट डो व्हेन लेफ्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज स्टार्ट इमिटिंग फॉल स्मेल ड्यू टू द एक्शन ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया दैट ग्रो इन इट ऑन इट, मीन्स ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब उसको हम खुले जगह में छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फंगी और बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है जिसके कारण उसका स्मेल चेंज हो जाता है, फॉल स्मेल दे रहा है, हाँ। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इसको किस तरह का ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा, सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉप्स कहलाएगा, क्यों सेप्रोट्रॉप्स कहलाएगा, क्योंकि ये अपने फूड आइटम को कहाँ से ले रहा है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे तुम सुधार लो, ये स्मेल होगा,